आगरा में बैंड बाजों की मधुर धुन और भजनों की स्वर लहरियों के बीच मां नारायणी की शोभा यात्रा में गूंजते जयकारे। शोभा यात्रा के मार्ग में नृत्य करते राधा कृष्ण स्वरूप और सबसे आगे चलती विघ्नहर्ता गणेश जी की झांकी। ये नजारा था श्री नारायणी देवी समिति कल्याण समिति की ओर से मंगलवार को जमुना किनारा हाथी घाट स्थित कामाख्या देवी मंदिर से शुरू हुई 24वीं श्री नारायणी देवी भव्य शोभा यात्रा का। महापौर नवीन जैन ने शोभा यात्रा की आरती कर यात्रा का शुभारंभ किया। शोभा यात्रा में प्रमुख झांकियों में खाटू श्याम, राज राजेश्वरी केला देवी, शिव परिवार, बाबा अमरनाथ, राधा कृष्ण की झांकी, सैन महाराज की झांकी, आज़ादी के अमृत महोत्सव की झांकी सहित कुल 20 सवारियों ने नारायणी देवी शोभा यात्रा में भाग लिया। शोभा यात्रा संयोजक पवन सिंह ने बताया कि शुक्ल पक्ष की एकादशी को बच्चों को संस्कारवान बनाने और अपनी संस्कृति से अवगत करने का संकल्प लिए पिछले 24 वर्षों से नारायणी देवी शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शोभा यात्रा कामाख्या देवी मंदिर से प्रारंभ होकर यमुना किनारा, दरेसी, रावतपाड़ा, छत्ता बाजार, बेलनगंज होते हुए मोती कटरा स्थित नारायणी देवी मंदिर पर समाप्त हुई। समापन पर वृद्धजनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। मैं कुलदीप सप्ता, कोषाध्यक्ष श्री नारायणी देवी स्मृति कल्याण समिति से आज सविता समाज की 24वीं शोभा यात्रा श्री नारायणी देवी स्मृति कल्याण समिति की तत्वाद में निकाली जा रही है, जो कि भव्य रूप में निकलती है। यहाँ करीब 2 दर्जन झांकियाँ और 3-4 बैंड सहित निकलते हैं। समाज का काफी हमें सहयोग मिलता है। करीब 1000 से 1200 की संख्या में भीड़ रहती है, जिसमें जेंट्स हैं, लेडीज हैं और बच्चे सभी उपस्थित रहते हैं। ये मेला काफी भव्य रहता है और आगे भी इसी तरीके से भव्य बना रहेगा। मैं सौरभ कुमार सविता, मीडिया प्रभारी श्री नारायणी देवी स्मृति कल्याण समिति रजिस्टर्ड आगरा। आज किस तरीके का कार्यक्रम रखा गया है? आज यहाँ का कार्यक्रम है माँ नारायणी की 24वीं शोभा यात्रा निकल रही है यहाँ पर, जिसमें कि करीब 2 दर्जन से अधिक झांकियाँ शोभा यात्रा में शामिल हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से अपने सविता समाज के बंधु ला रहे हैं, जिसमें कि समाज में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का आंदोलन से प्रेरित होकर जो झांकियाँ हैं और भारत भ्रमण की झांकी हैं और जगह जगह से जो झांकी आ रही हैं, सभी समाज को एक संदेश देने के लिए, समाज में जो राजनीतिक और सामाजिक संदेश देने के लिए झांकी आ रही हैं, जिससे कि समाज में एकता बनी रहे। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त बाधा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल, पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। बलरामपुर में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक की चीजों को बनाने, बेचने और इस्तेमाल करने पर पाबंदी लग गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार के दिशा निर्देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए जनपद के सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायत में जब्ती एवं जुर्माने की कार्यवाही बड़े पैमाने पर की गई। नगर पालिका उतरौला पर SDM संतोष कुमार ओझा एवं अधिशासी अधिकारी अवधेश कुमार द्वारा फर्म पूजा ट्रेडर्स पर छापा मारकर 187 कुंटल सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिथीन बरामद की गई। नगर पालिका बलरामपुर से SDM बलरामपुर सदर राजेंद्र बहादुर एवं अधिशासी अधिकारी बलरामपुर द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापामारी करते हुए 12.97 कुंटल सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पॉलिथीन बरामद की गई एवं ₹25,000 का जुर्माना लगाया गया। जनपद सिद्धार्थ नगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थ नगर।
राजस्थान के बारा झालावाड़ जिले के कोलूखेड़ी कला में सड़क सहित पुलिया क्षतिग्रस्त है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क की पुलिया पर भारी वाहन निकलने पर भय बना रहता है। कोलूखेड़ी कला ग्राम पंचायत से लेकर गुराड़ी चौराहे तक सड़क का खस्ता हाल हो चुका है। समाज सेवक रामचंद्र मेरोठा ने बताया कि पुलिया के तार निकलने के कारण आने जाने वाले लोग तारों में उलझकर गिर जाते हैं। पुलिया के तारों से आए दिन हादसे होते रहते हैं। सड़क मार्ग पर छात्र छात्राओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विगत कई दिनों से राजस्थान बस सेवा भी बंद। भील समाज जिला अध्यक्ष जमुना लाल भील ने बताया कि पहले राजस्थान बस सेवा संचालित थी, वर्तमान में बंद हो जाने के कारण दर्जनों गांव को परिवहन बस के बाद होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्राइवेट निजी वाहनों की मनमानी के चलते मनमर्जी किराया वसूला जा रहा है। राजस्थान परिवहन बस सेवा बंद हो जाने से दर्जनों गांव ढाणी के लोग चिंतित हैं। इस मामले को लेकर कई बार क्षेत्रों के विधायक गोविंद रानीपुरिया को भी अवगत कराया, परंतु मामला जस का तस है। कोलूखेड़ी कलां ग्राम पंचायत बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए शौचालय तक नहीं बना हुआ है। मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। बस स्टैंड पर पेयजल व्यवस्था तक उपलब्ध नहीं। आपको बता दें कि कोलूखेड़ी कला से लेकर गुराड़ी चौराहा तक सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं। इसी के साथ साथ स्थानीय निवासियों सहित दर्जनों गाँव के लोग अपनी रोजमर्रा आवश्यकता अनुसार जरूरत के सामान खरीदने के लिए मनोहर थाना कस्बे में पहुंचते हैं। छात्र छात्राओं को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्राइवेट निजी वाहनों की मनमानी के चलते मोटी रकम वसूली जा रही है। पहले ही बदहाल सड़क से लोगों की हालत खराब कर रखी है। बदहाल सड़क लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। ये क्या समस्या है, ये मतलब इसके लिए लोगों को एसडीएम को किन-किन को अवगत कराया आपने? हमने एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को, सीएम तक हमने सभी को अवगत कराया है, पर आज तक हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। कोलूखेड़ी से गुराड़ी जो इकलेरा मनोहर थाना रोड है वहाँ से लेकर बीच का पूरा रोड बिल्कुल खुद चुका है। दो तीन पुड़िया बिल्कुल इस बरसात में बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आने जाने के लिए भी साधन में बहुत परेशानी आ रही है, और हमारे पूरी ग्राम पंचायत में भी हर जगह पुलिया है, रास्ता है, बहुत ख़राब हो चुके हैं, और हमारी बहुत सारी समस्या है। ये सरकार हमारे साथ सोचना व्यवहार कर रही है। फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। राजस्थान के बारा छिपाब दौड़ उपखंड एवं तहसील क्षेत्र के नेशनल हाईवे बारा छिपाब दौड़ मार्ग पर ग्राम पंचायत पछाड़ के गांव गुलखेड़ी में सरपंच प्रतिनिधि एवं कांग्रेस जिला महासचिव मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भैया के निर्देश पर श्री कृष्ण नंद गौशाला सेवा संस्थान में सभी गौ माताओं को लंपी वायरस जैसी भयंकर बीमारी से बचाव हेतु टीके लगाए गए, जिससे गौ माताओं में लंपी वायरस जैसी बीमारियों से बचाया जा सके। सरपंच प्रतिनिधि मूलचंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि लंपी वायरस जैसी बीमारियों की रोकथाम को लेकर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भैया से टीकाकरण करवाने हेतु छिपाब दौड़ तहसील क्षेत्र समेत अन्य कई क्षेत्रों में संचालित गौशालाओं में मौजूद गौ माताओं को टीके लगाए जाएंगे, जिससे बीमारियों का प्रकोप खत्म हो सकेगा, साथ आगे भविष्य में कोई बीमारियां नहीं फैलेगी। ग्रामवासियों ने कहा कि आज हमें बहुत खुशी है कि ग्राम पंचायत पछाड़ की सरपंच प्रतिनिधि एवं कांग्रेस जिला महासचिव मूलचंद शर्मा के आग्रह पर कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भैया द्वारा क्षेत्र की सभी गौशालाओं में गौ माताओं को लंपी वायरस जैसी भयंकर बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण के
निर्देश दिए हैं, जिससे हमारी गौ माताओं और अन्य जानवरों में इस बीमारी से कोई खतरा नहीं होगा। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियां, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के थाना बसई मोहम्मदपुर के क्षेत्र फ्लाईओवर यमुना नदी में गणेश विसर्जन को लेकर युवक नदी में गिरा। मृतक किशोर कुमार थाना उत्तर के टापा कला का निवासी था। दरअसल कल शाम 5 बजे जब वो यमुना नदी पर गणेश विसर्जन करने के लिए आए, तभी गणेश विसर्जन के दौरान सेल्फी खींचते समय 40 वर्षीय युवक नदी में गिरा। पुलिस प्रशासन का रेस्क्यू जारी, गोताखोरों को बुलाया गया जिसको पिछले 20 घंटे से स्टीमर द्वारा खोजा जा रहा है। थाना बसई मोहम्मदपुर के थाना प्रभारी सहित पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा और खोजबीन जारी है। अच्छा, ये नहर में गिरे वो आपके कौन है? पापा आए मेरे। अच्छा अच्छा, क्या नाम है उनका? किशोर कुमार। अच्छा, क्या कारण रहा, क्या वजह रही नहर में? यहाँ पे आए थे गणेश जी सराने। अच्छा, तो यहाँ पता नहीं बैठे थे, क्या हुआ किस कारण गिरे मालूम नहीं। अच्छा, कितनी उम्र होगी लगभग उनकी? 45 साल। कहाँ के रहने वाले हो? मायापुर टापे वाले। कोई सूचना नहीं हुई पुलिस की, आज होंगे। ब्रजमोहन। अच्छा ब्रजमोहन जी, क्या हुआ है इस नहर पर? हम लोग कल गणेश जी को विसर्जन करने के लिए यहाँ पे लाए थे जमुना जी पर, तो गणेश जी को सरा रहे थे यहाँ पे, तो हमारे चाचा जी किशोर कुमार इसमें किसी भी तरीका से उनका हाथ फिसल गया, क्या हो गया इस जमुना में गिर पड़े। कहाँ के निवासी हो? हम टापा कला मायापुरी बाल्मीकि बस्ती रहते। कितनी उम्र थी चाचा जी की? 45 साल। कल चार की बात करी, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला? अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। कल से पुलिस ने कुछ काम नहीं किया था, आज थोड़ा पुलिस काम कर रही है अपना। और माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त, पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। लखीमपुर खीरी के तहसील मोहम्मदी के अंतर्गत ग्राम कैमारा में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा नाली और खड़ंजा निर्माण। इस ग्राम कैमारा में विकास कार्यों के नाम पर फाइलों और ई स्वराज पोर्टल पर विकास की गंगा बहती नजर आ रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार दबंग ग्राम कैमारा प्रधान सर्वेश और सेक्रेटरी जितेंद्र व पंचायत मित्र विश्राम के द्वारा खंड विकास अधिकारी ब्लॉक मोहम्मदी से साठ गांठ कर मानक विहीन खड़ंजा और इस खड़ंजे के दोनों ओर नालियों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस मानक विहीन नालियों के निर्माण में 8 तसला बालू, 1 तसला घटिया क्वालिटी की मोरंग पर 1 तसला सीमेंट का मसाला बनाकर 2 एम पीला ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों के विरोध करने और इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करने की बात कही, जिस पर ये लोग भड़क गए और कहने लगे जो कार्य जैसा हो रहा है इसको होने दो, वरना ये भी नहीं कराएंगे। ग्रामीणों से इस दबंग प्रधान के प्रति काफी नाराजगी और रोष व्याप्त है, लेकिन इसकी दबंगई के डर से लोग बोलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाते। अब देखना यह है इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही होती है। जनपद सिद्धार्थ नगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थ नगर।
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष नगर पंचायत ब्रजमनगंज में युवा नेता शशि भूषण अग्रहरी को बसपा का प्रत्याशी बनाकर नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर बड़ा दाव खेलने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने बसपा जिलाध्यक्ष ने समय समय पर शशि भूषण को अपना संरक्षण देकर पार्टी में उनके कद को मजबूत कर रहे हैं। आज मैं नगर पंचायत ब्रजमनगंज में जो आया हूँ, बहुजन समाज पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। उस सदस्यता अभियान में शशि भूषण अग्रहरी जो हैं हमारे भावी प्रत्याशी हैं, आवेदन हमारे यहाँ हमारे पार्टी में किए हुए हैं और ये सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इनको और तेज करने के उद्देश्य से आज हम आपके नगर पंचायत में आए हुए हैं। क्या ये आप प्रत्याशी हो सकते हैं? आपके पार्टी के लिए वह अच्छा काम करेंगे, बिल्कुल प्रत्याशी हो सकते हैं। सदस्यता अभियान में क्या रोल है? सदस्यता अभियान में अभी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आपका प्रयास? हमारा प्रयास यही रहेगा कि अधिक से अधिक लोगों को ये सदस्य बनाएंगे, उसी के आधार पर पार्टी निर्णय लेगी, इनको प्रत्याशी बनाएगी। क्या ये संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं? हाँ, संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियां, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र बजरंग नगर हनुमान मंदिर के पीछे जलेसर रोड फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। एमपी के जनपद राजगढ़ तहसील सारंगपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम देवली मान जागीर में जहां पर श्री देव नारायण भगवान का स्थायी स्थान है, जिनकी महिमा देखने को मिल रही है। आज लाखों की तादाद में बाहर से आए यात्रीगढ़ श्री देव नारायण भगवान के मंदिर पर पधारे हैं। अपनी अपनी इच्छा अनुसार सबने अपना योगदान किया। बड़े हर्ष के साथ सूचित किया कि प्रतिवर्ष के अनुसार भगवान श्री देव नारायण भगवान के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य चल समारोह कार्यक्रम किया जाता है, जिसके लिए सभी नागरिकों के हित में श्री देवनारायण भगवान की कथा साप्ताहिक भागवत का आयोजन किया जाता है, जिसके चलते सभी ग्राम पंचायत देवली मान जागीर के सभी समाज के लोग उपस्थित रहते हैं। बड़े हर्ष के साथ, बड़े उल्लास के साथ सभी अपना सहयोग दान देते हैं और एकजुट होकर अपना सहयोग प्रदान करते हैं। फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। खबर उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर से है, जहां राजस्थान सरकार के गृह मंत्री राजेंद्र यादव के उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जनपद के किच्छा में स्थित आवास एवं प्रतिष्ठान पर इनकम टैक्स की बड़ी छापेमारी। स्थानीय लोगों की माने तो सुबह 5 बजे से इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है। 3 प्राइवेट टैक्सियों से आए हैं इनकम टैक्स के अधिकारी। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर ए के राजपूत।
उत्तराखंड के लालकुआ के हल्दूचोड़ और गोमती नगर में बनने जा रहा लोगों के लिए नए अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे स्वास्थ्य विभाग की टीम, जिसमें नैनीताल सीएमओ भागीरथी जोशी उनकी टीम ने बारीकी से नए अस्पताल के कामों को देखा और परखा और जाना कि कितना काम इसमें हो चुका है और कितना काम अभी बाकी है। आपको बता दें कि लालकुआ में पहली बार 32 बेड का अस्पताल सीएचसी, साथ ही 200 बेड का अस्पताल अलग अलग जगह पर करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जिसमें तमाम सभी प्रकार की सुख सुविधा और मशीनें होंगी, जिससे किसी भी मरीज को इलाज कराने बाहर नहीं जाना पड़ेगा और सभी का इलाज इन अस्पतालों में होगा। भागीरथी जोशी सीएमओ ने बताया कि जल्द ही यह अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा और इसी साल जनता को समर्पित किया जाएगा और इस प्लान में तमाम प्रकार की सुविधा होंगी, जिससे मरीजों का इसी अस्पताल में इलाज हो सकेगा। काफ़ी कुछ बन चुका है, थोड़ी बहुत इसमें आज निरीक्षण के दौरान जो पाया गया है कुछ चीज़ें ऐड करवाई गई हैं और जल्द ही ये जनता को समर्पित होगा, लेकिन पदों का प्रस्ताव अभी गया हुआ है शासन में। किस तरह का अस्पताल है? सीएचसी है, 30 बेड की सीएचसी। आयुर्वेदिक है? आयुर्वेदिक हॉस्पिटल डिस्पेंसरी बगल में। इसके अलावा जो मोटा गोरापड़ाव में बन रहा है वो कैसा अस्पताल है और वो कब तक समर्पित हो जाएगा? गोरापड़ाव में 200 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है, केंद्र पोषित योजना के तहत बन रहा है और 1.5 साल की अवधि निर्माण इकाई ने हमें दे रखी है, जिसमें 7-8 महीने निकल चुके हैं, तेजी से बन रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, VIP वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त, पादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त, पादा बेहतर स्वास्थ्य का। डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे, निकट दाल मिल, पैमेश्वर गेट, रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।